हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ देहरादून, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, जैसा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने दो तीन आपको दिखाए हैं, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बातें भी की हैं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैं जब बात करता हूँ तो सबसे ज़रूरी मेरा जो इशू होता है वो इशू होता है कि जो हब मोटर वाले स्कूटर्स हैं, मेरे हिसाब से वो बेकार हैं। पूरे बेकार नहीं हैं, बट टेक्निकली वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जब हब में मोटर होती है तो ब्रेकिंग का इशू आता है, प्लस टायर चेंजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर वो तो बस ऐसे है कि बच्चों ने बना दिया और आप चला रहे हैं। मेन जो स्कूटर्स, जैसे मैंने बताया तो एथर हो गया, ओला हो गया, वो स्कूटर्स काफ़ी अच्छे हैं। उनमें हब मोटर हमें नहीं मिलती है, मोटर अलग से होती है, जिससे स्कूटर की परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा ही एक स्कूटर है, वैसे तो इसका कोई इतना ज़्यादा नाम नहीं है, एफटेक मोटर्स का स्कूटर है ये। एल्मो स्कूटर्स की बात करूं तो ये स्कूटर है जिस पर मैं बैठा हूं, एल्मो ये स्कूटर है इसका नाम। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ा बाइक लुक में है। तो टायर साइज 16 इंचेस, 16 इंचेस का टायर है, टीवीएस का टायर है, कोई मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बहुत ज़्यादा घटिया टायर है। और रियल व्हील की बात करें तो 14 इंचेस का टायर है, काफ़ी चौड़ा टायर है, नॉर्मल टायर से बड़ा। इवन जो टीवीएस एंटोर वगैरह का जो साइज़ है, सेम वही साइज़ हमें इसमें मिल रहा है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको मेन बेसिक डिफरेंस। तो आप ये देखेंगे तो इसमें जो मोटर है, मोटर के साथ ये गेयर बॉक्स है, जैसा कि हमारे होंडा एक्टिवा वगैरह में होता है। तो मोटर एंड गेयर बॉक्स अलग है, इसमें प्रॉपर गेयर ऑयल पड़ता है, पर गेयर ऑयल कभी ख़राब नहीं होता, कभी मतलब बेसिकली मिनिमम 20,000 किलोमीटर तो चल ही जाता है। तो यहाँ पर आपको हब मोटर नहीं मिलती है, प्रॉपर बाइक की तरह या स्कूटर की तरह हम कहें तो टायर चेंज करना बहुत इजी है, जिस वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और इसके साथ हमें मिलते हैं रियर एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, हमें रियर में भी मिलते हैं और फ्रंट में भी। बट जैसा कि ओकिनावा वगैरह बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कि डिस्क ब्रेक तो उन्होंने दे दिए बट मोटर हब में है, तो उससे क्या होता है कि मोटर हब में होने से कहीं ना कहीं जब भी ब्रेकिंग होगी तो हीट का कन्वर्जन होगा, वो मोटर में जाएगा ही जाएगा, तो वो वहीं वहाँ पे ही आपकी जो एफिशिएंसी है स्कूटी की वो लगभग फिनिश हो जाती है। अब आप आता है सबसे बड़ा सवाल, जब भी हम इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो बात आती है स्पीड और रेंज की। तो स्पीड और रेंज इसकी काफ़ी, मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, जबकि मैंने इस कंपनी के बारे में कोई ज़्यादा सुना नहीं है। तो इसकी रेंज की मैं बात करूँ तो मिनिमम अगर आप इसे 25 to 35, 45 तक की स्पीड के ऊपर ना लेके जाएं तो 120 किलोमीटर तक भी आप इसे चला सकते हैं। और अगर आप हाईली स्पीड, जो कि 80 की स्पीड तक ये जाती है, 80 की स्पीड तक आप इसे लेके जाते हैं तो फिर ये 75 किलोमीटर तक की रेंज देगी, तो बुरी नहीं है। इवन अगर हम एथर की बात करें तो एथर भी 100 तक ही देता है, अगर आप कितना भी प्यार से चलेंगे तो 100 के ऊपर नहीं जाता, बट ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी स्कूटी 120 किलोमीटर तक जाती है। तो बैटरी की बात करें तो इसमें 60 वाट और 36 एम्पियर की बैटरी है, और 3.6 किलो वाट की इसके मोटर मिलती है हमें, जो कि काफ़ी पावरफुल है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एटलीस्ट हब मोटर नहीं है, तो परफॉर्मेंस कम से कम मुझे लगता है कि अच्छी देगी। और जैसा कि मुझे बताया इन्होंने कि इसकी जो चेसिस की बात अगर हम करें तो जो वेंडर टाटा मोटर्स के कुछ पार्ट्स बनाता है वही वेंडर इसकी चेसिस बनाता है, और लगभग 28-29 किलो की इसकी चेसिस है, तो काफ़ी हैवी है। और इवन जैसा लग रहा है टायर्स वगैरह जितने मोटे और बड़े टायर्स हैं तो एक रफ लुक तो ये दे रहा है। अगर हम इसकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट हमें एलईडी नहीं मिलती है, नॉर्मल हेलोजन लैंप मिलते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ये ऐसा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में हेलोजन हेड लैंप ये कहीं ना कहीं बैटरी की कंजप्शन ज़्यादा करेगी। इंडिकेटर्स की हम बात करें तो इंडिकेटर्स एलईडी के दिए हुए हैं, इंडिकेटर एलईडी हैं, हेडलैम्प हेलोजन है, स्पीडोमीटर काफ़ी स्मार्ट दिया हुआ है। इवन ये जो वाइट है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, और हमें ये इंजन चेक लाइट भी है, इंजन तो इसमें है नहीं बट ठीक है, इसी हम चेक करेगा। अगर इसकी बैटरी की बात करते हैं, 60 वाट/36 एम्पीयर की ओकाई लिथियम बैटरी आती है, ठीक है जी। अगर आपको बैटरी में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो कुल 24 घंटे के अंदर आपके पास ओकाई से बंदा आएगा और आपको 24 घंटे में सर्विस देगा। अगर मोटर की बात करते हैं, 72 वोल्ट/3000 वाट की इसमें मोटर आती है विद गेयर बॉक्स और सेपरेट मोटर है। आज तक किसी भी स्कूटर और उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऐसी मोटर देखने को नहीं मिली गई। और अगर बात करते हैं इसकी वारंटी की, अभी कंपनी जो वारंटी दे रही है 3 साल इसकी वारंटी दे रही है,
और उम्मीद है हमारे को कंपनी से हमारी बात चल रही है जो 5 साल भी हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, 2 साल की वारंटी और हम इसमें बढ़ा सकते हैं। इसकी अगर बात करते हैं इसका एक शोरूम प्राइस जो है 1,14,975 इसका एक शोरूम प्राइस है खुशी ऑटो देहरादून में। और अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं हम 4,177 रुपये का इसका इंश्योरेंस है और 2,500 रुपये का इसका RTO है। टोटल ऑन रोड गाड़ी 1,21,652 रुपये की गाड़ी जा रही है। और जैसे कि नितेश ने अभी इसकी प्राइसिंग बताई तो देहरादून वालों के लिए और उत्तराखंड वालों के लिए एक फ़ायदे की बात आ गई है कि अगर कोई वर्ल्ड ऑफ व्हील्स का रेफरेंस लेके आता है तो नितेश उन्हें 1,500 रुपये का डिस्काउंट देंगे कैश डिस्काउंट। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के ज़रूर देखें अगर आपको 1,500 का डिस्काउंट चाहिए। इवन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 4 सर्विसेज फ्री हैं। और कलर्स की हम बात करें तो ब्लैक प्लस वाइट के साथ इनके पास काफ़ी कॉम्बिनेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट के साथ ब्लैक है, इवन ये पर्ल वाइट है, दिस इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी वाइट, ये पर्ल वाइट हो गया, ये ब्लू के साथ वाइट हो गया, एंड ये वही अगेन ब्लैक के साथ वाइट, और ये ब्लू तो आपने देख ही लिया है। और एक अभी भैया बता रहे हैं ऑरेंज कलर और इसमें आने वाला है। और बैक लाइट की बात हम करें तो बैक लाइट हमें LED मिल रही है, सारी लाइटें LED हैं, बट पता नहीं इन्होंने क्यों हेडलैम्प हैलोजन रखी है। और जैसे कि अगर हम इस रैक की बात करें, ये सामान रखने के लिए तो है नहीं बट नॉर्मली सपोर्ट के लिए अगर हम कहें तो काफ़ी, ये मुझे बहुत हैवी लग रहा है, टफ है प्रॉपर। देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। बहुत बढ़िया, इवन बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है, सस्पेंशन बड़ी अच्छी है। अभी जैसे धचकियाँ थी रास्ते में, काफ़ी गड्ढे थे, बट स्मूथली इसने परफॉर्म किया। इवन अगर मैं एथर की भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली है तो कंपेयर करूँ तो पूरी टक्कर दे रहा है, जो इसके बड़े टायर हैं बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। बॉडी क्वालिटी मुझे थोड़ी, अगर मैं एथर से कंपेयर करूँ तो मुझे थोड़ी सी हल्की लगी, सिर्फ प्लास्टिक की बॉडी, अदरवाइज़ फ्रेम टायर एंड मोटर क्वालिटी ऑसम, बहुत अच्छी है। तो हम जा सकते हैं, इवन अगर 2-4 महीने में मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो हो सकता है मैं अपना DO चेंज करके ये ले लूं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा और पैसे उसके बाद पेट्रोल के पैसे खर्च होने बंद हो जाएंगे। तो आप भी ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी सिटी में अवेलेबल है तो, क्योंकि जब हम EV के बारे में जब बात करते हैं तो ये एक तरह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट जहाँ तक ये इनकी जो प्राइस रेंज है 1.25 लाख तक, 1.5 लाख का स्कूटर, वैसे तो स्कूटर्स जो आपके ये हैं पेट्रोल वाले ये भी इसी रेंज में आ गए हैं, पर इनमें कम से कम एक फ़ायदा है कि उसके बाद पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं लग रहे, तो वहाँ पे आपकी पैसों की रिकवरी हो जाती है। तो इसी तरह की जानकारियाँ अगर आपको लेनी है तो सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर। जय माँ गंगे हर हर गंगे।